ये बड़ी खबर आ रही है बिहार के पटना से, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या की गई है। बड़ी जानकारी, तो बड़ी खबर मिल रही है, दो लोगों ने दुकान में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से वो फरार हो गए। घायल नेता को लोगों ने अस्पताल तक पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज को खंगाल रहे हैं, ताकि अपराधियों की शिनाख्त हो पाए और अपराधियों तक पुलिस की टीम पहुंच पाए। तो सीसीटीवी के जरिए लगातार तलाश की जा रही है। पटना सिटी में गोलीबारी की घटना सामने आई, बीजेपी नेता की सरेआम हत्या कर दी गई, दुकान में दो लोग घुसे और गोली मार दी गई। आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। रामनगरी अयोध्या में देशभर की विधाओं, परंपराओं, संस्कृति से मंदिरों में झूलन उत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है, जिसमें कि शामिल होने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में रामलला सदन में मंगलवार को 140 किलो चांदी, 700 ग्राम सोने से बने अनोखे झूले पर श्री रामलला सरकार को विराजमान किया गया है, और इस दौरान उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपरा के साथ विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। झूले की खासियत ये कि इस पर देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं, जिस पर गरुड़ देव अभिनंदन करते हुए चांदी पर सोने से नक्काशी की गई है। 19 अगस्त तक इस तरह के तरह तरह के आयोजन अनुष्ठान इस मंदिर में होते रहेंगे। पटियाला में बीच सड़क पर कार में भयानक आग लग गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार में आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल कार मालिक के मुताबिक वो किसी काम से मॉल रोड पर जा रहे थे, तभी चलती कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई, और ये तस्वीरें आपके सामने। किसी तरह कार मालिक ने गाड़ी की डिग्गी खोलकर अपनी जान बचाई और समय रहते कार मालिक बच गया, नहीं तो यहां पर बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा में नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर, परसों कर्मचारियों ने विरोध के तौर पर अपने बाल मुंडवा दिए थे। अब सारे कर्मचारी सड़कों पर भीख मांगने उतर आए हैं। तस्वीरें आपके सामने नुहू की हैं, जहां पर बीते 19 दिन से एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। एनएचएम के कर्मचारियों ने हाथों में कटोरा लेकर दुकान दुकान जाकर लोगों से भीख मांगी, अपने आंदोलन के बारे में सबको अवगत कराया। महिलाओं से लेकर सीनियर कर्मचारी तक सारे लोग सड़कों पर भीख मांग रहे थे। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में अगले कुछ दिन भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से आज बुंदेलखंड के कई इलाकों में, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश आगरा मथुरा में हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, और आज बांदा, चित्रकूट, आगरा, मथुरा, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार स्वतंत्रता दिवस के पहले उत्तर प्रदेश में जमकर मौसम मेहरबान रहेगा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, और कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देश के अलग अलग राज्यों में इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 15 अगस्त से पहले मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस वालों के डांस का वीडियो वायरल आपके सामने है। हाथों में तिरंगा लेकर पुलिस वाले डांस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिरंगा यात्रा के दौरान जब यहां पर देशभक्ति के गाने बजे तो पुलिस वाले भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, और फिर यहां डांस शुरू हो गया, और अलग अलग इलाकों की तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश से।